विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी को इस बार 500 क्विंटल फूलों से सजाया गया है, जबकि रंग बिरंगी लाइटों से एवं फूलों से सजा हुआ मां का दरबार रात के समय बड़ा ही मनमोहक नजर आ रहा है। दूर दूर तक अपनी प्राकृतिक सुंदरता की अपार छटा बिखेरता है। इस बार भी मां के इस दरबार को सजाने का कार्य जेबीडी समाज कल्याण समिति करनाल हरियाणा के द्वारा किया गया है। पिछले 3-4 दिनों से कारीगर सजावट का कार्य बखूबी से कर रहे थे और मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इन नवरात्रों के दौरान जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, अन्य प्रदेशों और देश विदेशों से भी मां के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं पर श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु मंदिर न्यास, लोक निर्माण विभाग, पुलिस, नगर परिषद, विद्युत विभाग एवं सिंचाई विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं तथा ताकि श्रद्धालुओं को नवरात्रों के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में प्रथम नवरात्रि के उपलक्ष्य पर जहां माता रानी की शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जा रही है, वहीं पर सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा और श्रद्धालुओं की हर सुख सुविधा के ध्यान रखा जा रहा है। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान व देश के कोने कोने से और विदेशों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु मां के दरबार पहुंच रहे हैं। पूरा नैना देवी क्षेत्र ऊंचे जयकारों से गूंज रहा है और आने वाले 9 दिनों तक माता के दरबार में नवरात्र की धूम रहेगी। जग जननी मां नैना देवी की अपार कृपा से आज दिनांक 10 अक्टूबर 2018 तदनुसार विक्रमी संवत 2075 विरोधकृत संवत्सर के अंतर्गत माता नैना देवी के अश्विनी मास शुक्ल पक्ष शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है। इसमें पूजा अर्चना, यज्ञ अनुष्ठान, जप इत्यादि आगंतुकों के कल्याणार्थ, विश्व शांति के कल्याणार्थ, आने वाले तीर्थ यात्रियों के कल्याणार्थ आज से ही अनुष्ठान प्रारंभ किए जाएंगे, जो कि नवमी उपरांत कम से 18 अक्टूबर 2018 को दशम्याम तिथो दशमी तिथि को इसका जो है दशांश होम इत्यादि डाला जाएगा, ताकि प्रत्येक तीर्थयात्री जगजननी मां नैना देवी का आशीर्वाद यहां से प्राप्त करे। ओम सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतो अहम विश्व रूपाम ताम नमामि परमेश्वरीम। 800 लोग का या 30 लोग का रखा यात्री लोग नैना देवी देखने के लिए ऊपर से सीढ़ी से ऊपर आएगा, बहुत बढ़िया थे, सबसे ऊपर ऊंचा है ये, उसके लिए जय माता जी की।